किसी ने क्या खूब कहा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपका नाम लोगों को बता दे। जी हाँ, एक ऐसे ही शाइनिंग स्टार से आज हम आप सभी की मुलाकात कराने जा रहे हैं, प्राची ठाकुर, द शाइनिंग स्टार ऑफ लिटिल फ्लावर ग्रुप ऑफ स्कूल्स। She has already done 60 plus print shoots and 10 plus video shoots and much more. But firstly, I would like to request our principal ma'am, Mrs. Neeta Dua ma'am, to bless her with her wishes. Hello, good afternoon. Prati, aapke baare mein really sahi bola. Memory ki you are really a shining superstar of the LF group of schools. और प्राची आपकी ये स्माइल जो स्वीट है, मैं आपको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप बड़े स्वीट हो, बड़े क्विट से हो तभी, और आपकी इतनी हार्ड वर्किंग जो जर्नी आपने अपनी रखी स्टार्ट की, फाइनली एक ऐसे डेस्टिनेशन पॉइंट पे भी आप पहुंचे। और आज मैंने कल आपका सीरियल भी देखा था फर्स्ट, और उसके बाद मैं डेफिनेटली सारे ही देखूंगी एपिसोड, क्योंकि उसमें मेरी प्यारी स्वीट बच्ची प्राची ठाकुर जो आ रही है। और हम सब ने अब सबको अपने पूरे स्कूल में 7000 स्टूडेंट्स को और अपने टीचर्स को हमने सबको बोला कि आपका प्रोग्राम देखें और लाइक करें। और बड़ी प्राउड की बात है लिटिल फ्लावर ग्रुप के लिए कि हमेशा बच्चे को डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कोई IAS ऑफिसर बनता है, कोई पुलिस में जाता है। तो रियली बल्कि मैं ना बॉलीवुड की बहुत ज्यादा न्यूज देखती हूँ, सब सोचते होंगे प्रिंसिपल आए तो ये बॉलीवुड क्यों इतना मतलब लाइक करके रखा है इंस्टाग्राम में सब जगह, तो मैं थोड़ा सा फन और इंजॉय फील करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे मतलब इतने बड़े अमिताभ बच्चन जी से भी आप मिले, तो ये सब इतने जरूरी कि हमारी जो फैमिली में हम जो स्ट्रेस में आते हैं, तो सारे जो एक्टर एक्ट्रेस इतना हार्ड वर्क करके हम सबको स्ट्रेस से फ्री रखते हैं, बिल्कुल इतना काम करके आते हैं। जैसे आपका सीरियल देखो, प्राची की फेस देखो, तो बड़ा ही मुझे अच्छा फील आनी शुरू हो जाएगी। और मुझे ये भी बड़ा प्राउड फील लगा, ये मेरा स्टूडेंट है मेरे स्कूल का, क्लास 6B का, तो यू आर रियली सुपरस्टार। कल आपके मेरे फादर से भी मिली थी, बड़ा प्राउड फील हुआ उनको भी देख के, उन्होंने बहुत आपके साथ मेहनत की है। मतलब आपका तो भी हम पूछेंगे आपका क्रेडिट किसको जाता है, लेकिन मैं भी अपना क्रेडिट हमेशा अपने पेरेंट्स को देती हूँ, अपनी टीम को देती हूँ, अपने फ्रेंड्स को देती हूँ, कि सब लोग जब पूरी टीम बनती है, बड़ा एक कोई भी एक शाइनिंग स्टार अगर बनना हो तो सबका हार्डवर्क आता है, क्योंकि पर्सनल कमिटमेंट बहुत जरूरी है। तो प्राची मैं आपसे ये पूछना बस चाहूंगी, बाकी तो आपसे आप सही से अपना खाना वाना खा रहे हैं ना, अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट का ध्यान रख रहे हो, अच्छी स्लीप ले रहे हो आप, अपनी हेल्थ का भी आपने ध्यान रखना है। और क्योंकि अगर हमने बहुत ही अच्छे अपने उसमें एम को कंप्लीट करना है, तो हमें सब चीजों का ध्यान रखना, अपनी डिसिप्लिन का, लाइफ का और फिटनेस का। तो आपने अपनी जरूर कोविड प्रोटोकॉल भी आप यूज करना, वो बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको मदर वाली फीलिंग बताई है अपनी, एक बच्चे को इतनी दूर बच्चा हमारे गया है, तो उसको अपने आप को कैसे। और आपने ये भी बताया था बीच में किसी इंटरव्यू में कि वहाँ सारी पूरी फैमिली बन गई है आपकी। यस मैम, पूरी फैमिली फैमिली की तरह रहते हैं। तो मैं अभी आप सबको, आपको पूरी टीम को, जो है प्रतिज्ञा जो टीम है, ये मन की आवाज जो सीरियल है, और पूरा स्कूल, हमारे स्टाफ, मैनेजमेंट, हमारी स्कूल की मैनेजर मिसेस सीएम पटेल मैम, हम सब आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि आप ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहो। और मैं आपसे मिलती रहूँ, मैं आपको कॉल भी करती रहूंगी, अगर आप टाइम होगा तो मेरी कॉल उठा लेना, नहीं तो मैसेज कर देना। डेफिनेटली आप बहुत ही बिजी हो, आप तो बड़ा शेड्यूल बिजी है। अब हम शिवांगी मैम को देंगे, करेंगे वो आपसे क्या क्या पूछना चाहती है, और ये इंटरव्यू सारे हमारे स्कूल के बच्चे भी देखेंगे, पूरे दिल्ली के सारे स्कूलों में जो मेरे ग्रुप्स हैं, मैंने वहां भी व्हाट्सएप कॉल किया है सबको, मतलब दिल्ली के 2000 स्कूल्स हैं, उन सब प्रिंसिपल्स को भी मैंने आपका बड़े प्राउड से किया कि मेरे स्कूल का बच्चा प्लीज प्लीज देखो, तो हम आपको प्रमोट कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक और स्वीट स्माइल, हैव अ नाइस डे। Thank you so much, ma'am, for your lovely wishes. So, hello, Prachi, beta, how are you? Fine, ma'am. So, Prachi, आपको कब पता चला कि आपके अंदर एक acting का hidden talent present है? मुझे जब मैं 7 years की थी, तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक talent है acting का,
और उसके बाद मैं एक्टिंग का एक टैलेंट है मेरी अंदर, तब मुझे 7 ईयर में पता चला और उसके बाद मैं परफॉर्म किया। एंड यू आर अ रियली गुड डांसर आल्सो, आई नो दैट। यस मैम, और मुझे स्कूल वालों ने इस लाइन में बहुत ज्यादा हेल्प की है। ओके प्राची, सबकी लाइफ में कोई ना कोई इंस्पिरेशन तो होता है, आपकी लाइफ का इंस्पिरेशन कौन है? कैटरीना कैफ, और क्योंकि उनकी जो डायलॉग बोलने की तरीके हैं, एक्टिंग है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और डांस वो करती है तो मुझे, मैं उनसे सीखती हूँ और बहुत अच्छे लगते हैं। She is my favorite as well. Okay. So next, I would like to ask you कि आपको कैसा लगता है जब आपके पेरेंट्स को लोग बोलते हैं आपकी बेटी सेलिब्रिटी बन गई है? मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है और बहुत खुशी फील होती है कि हाँ मेरे बच्चे को ऐसी सेलिब्रिटी है, ऐसे कह रहे हैं, बहुत अच्छा फील होता है मेरे पेरेंट्स को। Okay, so now as you are doing your new serial, तो शेड्यूल बहुत बिजी होगा, so how are you going to manage your studies? टीचर्स आपको कैसे सपोर्ट करते हैं आपके इस जर्नी में? अगर जैसे कि बीच में अगर मुझे ब्रेक मिल गया है तो मैं उसमें स्टडी कंप्लीट करती हूँ। और मेरे टीचर्स, मतलब मेरी ऑल टीचर्स और प्रिंसिपल मैम बहुत हेल्प करते हैं मेरी। मैं अगर टीचर को फोन करती हूँ कि मैम मुझे ये नहीं आ रहा, आप प्लीज मुझे समझाओ, मैम जरूर समझाती है। और अगर प्रिंसिपल मैम की बात करूँ तो मैम जैसे कि अगर मेरा पेपर होता है एनुअल पेपर, तो अमिताभ बच्चन के आर्ट में मुझे एनुअल पेपर था, तब मैम ने कहा था जरूर जाओ आप, मैं आपके बाद में पेपर दूंगी, तो बहुत हेल्प करती है, मेरा स्कूल पूरा हेल्प करता है। That's really nice. So you're a multitasker as well. So सब मिलके आपके साथ लगे हुए हैं, and we are very proud of you, बेटा। So प्राची, आप अभी बहुत छोटे हो और इस छोटी सी एज में इतना फेम मिल रहा है आपको, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, आपका जो न्यू सीरियल आ रहा है उसके बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज। हाँ, तो जैसे कि कल रात आया था तो आपने देखा होगा जरूर, ये मंडे टू फ्राइडे आता है 8:30 बजे। और अभी जैसे कि आज का सीन भी देखना मत भूलिएगा और आगे जो आते रहेंगे बहुत मजा आएगा। मैं आपको मतलब कह रही हूँ कि आप अगर आपने सीजन फर्स्ट नहीं देखा है ना, और अगर आप सीजन टू देख रहे हो तो कह रहे हो कि पहले वो देख लेते हैं, नहीं, आप सीजन टू देखोगे ना आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि यही है बेस्ट सीजन। डेफिनेटली वी विल वॉच इट, हमारी प्राची जो है वहां पर। ओके प्राची, लिटिल फ्लावर ग्रुप ऑफ स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो आपके जैसे ही एक शाइनिंग स्टार बनना चाहते हैं फ्यूचर में? मैं कहना चाहती हूँ स्टूडेंट के लिए कि अगर आपका लक्ष्य है वो कि जिस स्टार बनना है, जो भी बनना है, तो वो आप बन सकते हो। क्योंकि अगर जैसे कि लक्ष्य होगा तो आप जरूर बन सकते हो। और साथ साथ में पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। अगर आपको स्टडी नहीं आएगी तो इस लाइन में आप कुछ भी नहीं हो, किसी भी लाइन में आप कुछ नहीं हो। पहले स्टडी करो और दूसरों, मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट करना भी सीखना चाहिए, उसके आगे हमें सपोर्ट मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। दैट वॉज अ वेरी गुड मैसेज, बड़ों की रिस्पेक्ट, मल्टीटास्किंग। सो दैट वॉज आवर प्राची, आवर शाइनिंग स्टार। थैंक यू सो मच बेटा, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैम मैं कहना चाहूंगी कि लिटिल फ्लावर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए मैं कहना चाहूंगी कि दिल से मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इस लाइन में मेरी इतनी मदद की, सपोर्ट किया, हेल्प की, प्रिंसिपल मैम ने, सब पूरे स्कूल ने मेरी बहुत हेल्प की है, तो धन्यवाद प्लीज, थैंक यू। वी ऑल आर ऑल्सो रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, आपने इतनी मेहनत करी, स्कूल का इतना नाम किया, and all the best and keep moving and keep achieving much more in your life. All the best, beta. Bye. Bye, beta.